हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा वो हमारा होगा समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, जो कि हमारा एडवांस मैथ का ये आठवां दिन में मेंसुरेशन का ये पार्ट चल रहा है। ठीक है, इससे पहले मैंने जो भी वीडियो अपलोड किया, जैसे आपका ट्रायंगल का वीडियो होगा वो देख लीजिएगा। ठीक है, तीनों ट्रायंगल का डाल दिए हैं, मेन इंपॉर्टेंट आपको जो ट्रायंगल होता है समबाहु त्रिभुज वो भी अपलोड कर दिए हैं, आयत वर्ग दोनों अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, समचतुर्भुज जो इम्पोर्टेंट आपको चतुर्भुज होता है, आपको क्वाड्रिलेटरल जो रोम्बस है वो भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, नहीं देखें उसको भी देख लीजिए। इसके बाद हम आते हैं समांतर चतुर्भुज, और एक बचेगा इसका आपका क्या बचेगा, समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम बचेगा। ठीक है, उसके बाद हम वृत्त देखेंगे, वृत्त के बाद आपका मेंसुरेशन क्या होगा, फिर हम मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। इतना में आपका मेंसुरेशन बिलो एरिया वाला पार्ट होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम वॉल्यूम में आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए, और यदि पसंद है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पैरेललोग्राम होता क्या है। देखिए, पैरेललोग्राम क्या है कि आपका आयत तो पढ़े ही होंगे। आयत में क्या होता है कि आयत, देखिए आयत में क्या होता है, आयत में क्या होता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। दोस्तों, प्रत्येक कोण कितना होता है आपको, 90 डिग्री होगा, और इसमें प्रत्येक कोण देखिए 90 डिग्री आपका नहीं होगा। ठीक है, आमने सामने की भुजा इसमें बराबर होता है, इसमें भी होगा, ये और ये भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। एक हम कह लेते हैं ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ए बी पैरेलल क्या होता है आपको, सी डी होगा। ठीक है, ए डी ए बी पैरेलल क्या होगा, वो सी डी होगा। ये भी पैरेलल हो जाएगा दोस्तों, ये पैरेलल हो जाएगा। एक और क्या जाएगा आपको, ए सी पैरेलल क्या हो जाएगा आपको, बी डी हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें भी वही होता है, लेकिन इसका 90 इसका पर कोई भी कोण आपका 90 डिग्री नहीं होता। देखिए 90 डिग्री कौन होगा, लेकिन आयत में प्रत्येक डिग्री क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो विकर्ण होगा दोस्तों, इसका विकर्ण एक दूसरे को विभाजित तो करती है लेकिन इक्वल नहीं होगा। आप मान कर चलिए यहाँ से यहाँ आपका ये D1 हो गया दोस्तों, और यहाँ पर यहाँ तक आपको D2 हो गया ये विकर्ण, तो D1 बराबर D2 कभी नहीं होगा दोस्तों। ये विकर्ण की लंबाई दोनों आपस में बराबर कभी नहीं होगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे तो समविभाजित करती है लेकिन 90 डिग्री पर ये समविभाजित नहीं करेगी। क्या होगा, 90 डिग्री पर एक दूसरे को विकर्ण आपको समविभाजित नहीं करेगा, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, फिर हम एरिया की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, आप देखिए क्या है, ये जो विकर्ण होगा दोस्तों, ये जो विकर्ण है दोस्तों, एरिया को दो इक्वल पार्ट में बांटता है। एरिया को क्या करता है कि दो इक्वल पार्ट में बांटता है। क्यों बांटता है, कैसे बांटता है, बहुत सारा चीज़ है इसमें, वो हम देखेंगे दोस्तों ज्योमेट्री में। ठीक है, वहाँ पे ज्योमेट्री में देखेंगे, ज्योमेट्री में पूरा कॉन्सेप्ट होगा, क्यों आया, कैसे आया, क्यों दो पार्ट में बांटता है, इसको सारा कुछ देखें। चलिए दोस्तों, इतना बात याद रखिएगा कि ये विकर्ण क्या करता है कि इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया में बांटता है। ये आपका एरिया ये हो गया हाफ, ये हो गया हाफ। मानकर चलिए कि इसका एरिया 4 होगा तो इसका भी एरिया कितना होगा, 4 होगा। इसका 10 होगा तो इसका भी 10 होगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्या क्या याद रखना है कि इसका विकर्ण आपको क्या होता है, बराबर नहीं होगा, समद्विभाजित तो करेगा लेकिन आपका इक्वल नहीं होगा, और 90 डिग्री पर यह समद्विभाजित नहीं करेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, आपका आयत में ये 90 डिग्री पर आपको समद्विभाजित करता है। ठीक है, उसके बाद समचतुर्भुज में भी क्या करता है, ये समद्विभाजित करता है 90 डिग्री पर। ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। और क्यों होता है दोस्तों, क्यों इसको दो एरिया में पार्ट बांटता है, वो हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। ज्योमेट्री बहुत जल्द ही स्टार्ट होगा, मेन सेशन में जितना जरूरत है उतना ही देख लीजिए। अब आते हैं इसका, हम एरिया परिमिति पे आएंगे और रिलेशन देखेंगे भुजा पे और विकर्ण के रिलेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए एक पैरेललोग्राम लेते हैं दोस्तों। आपका ये पैरेललोग्राम हो गया, आप मानकर चलिए भुजा की लंबाई मानकर चलिए ए है दोस्तों, ए बी कितना होगा, ए होगा। ये भुजा की लंबाई बी होगा तो दोस्तों ये भी कितना होगा, बी होगा। तो आमने सामने वाली जो भुजा की लंबाई होगा वो सेम होगा और पैरेलल भी होगा, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, पैरेलल होगा। अब देखिए इसका जो परिमिति कितना होता है, परिमिति, ठीक है, इसका जो परिमिति होगा दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको जो समांतर चतुर्भुज का परिमिति होगा वो कितना हो जाएगा, आपको जो आयत का परिमिति होता वही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ तक की लंबाई ए हो गया, ये भी लंबाई कितना हो गया, तो कितना हो गया, ए प्लस ए हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा, ये लंबाई बी है तो ये भी लंबाई कितना है दोस्तों, आपका बी हो गया, प्लस बी हो गया। तो ये हो गया 2a प्लस कितना हो गया 2b, एल्स आप 2 को मान लीजिए कितना होगा, a प्लस बी होगा। अब एरिया आते हैं दोस्तों, एरिया क्या होता है इसका। ठीक है, एरिया देखिए यहाँ पे हम दो फिगर बनाते हैं, ठीक है, फिगर बनाते हैं, फिगर से एरिया हम निकाल लेते हैं दोस्तों, एरिया कितना होता है। ठीक है, एरिया देखिए कितना होता है दोस्तों, ठीक है, ये लंबाई a होगा तो ये भी कितना होगा, a होगा, ये b होगा तो ये भी कितना होगा, b होगा दोस्तों। इस पर हम एक लंब डालते हैं, ठीक है, इस पर हम एक क्या करते हैं, लंब डालते हैं,
ये आपका क्या हो गया H1 ले लेते हैं, H1 ले लेते हैं क्योंकि इस पे भी तो हम लम डाल सकते हैं दोस्तों, ये इस पे भी हम लम डाल सकते हैं, ये कितना हो गया H2 हो गया। अब देखिए एरिया क्या होता है, एरिया होता है दोस्तों इसका जो एरिया होता है आधार इंटू क्या होता है आपको ऊंचाई होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों आधार इंटू क्या होता है आपको ऊंचाई होता है, आधार इंटू क्या होगा आपको ऊंचाई होगा दोस्तों, बेस इंटू क्या हो जाएगा आपको हाइट हो जाएगा, बेस इंटू क्या हो जाएगा आपको हाइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दो टर्न में हम ये लेंगे एरिया, ठीक है। अब देखिए आधार किसको मानेंगे, ऊंचाई किसको मानेंगे, अब देखिए जिस भुजा पे ये लंब होगा दोस्तों, जिस भुजा पे ये लंब होगा उसको हम क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। मान के ये लंब इस किस भुजा पे है, ये भुजा पे है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा दोस्तों, एरिया कितना हो जाएगा A1 इंटू क्या A इंटू H1 हो जाएगा। मान के चले कि ये हाइट, ये जो लंब है इस भुजा पे लंब है, तो इसका जो एरिया होगा दोस्तों कितना होगा B इंटू क्या हो जाएगा आपको H2 होगा, और दोनों एरिया क्या होगा हमेशा आपस में बराबर होगा। अब वो डिपेंड करेगा कि वो दिया किस पे है और बनाना किस पे है क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान रखिएगा जिस भुजा पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा जिस भुजा पर लंब होगा दोस्तों, जिस भुजा पर लंब होगा और उसी को बेस मानेंगे, ठीक है, बेस मानेंगे। इसको याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है एरिया निकालने के लिए। ये तो ये हो गया एक एरिया और होता है दोस्तों, दूसरा पार्ट देखिए इसका एरिया निकालने का, एक और एरिया होता है दोस्तों, ये होता है आपको एक और एरिया है दोस्तों, यदि आपको एंगल दिया हो हाफ इंटू ए बी इंटू क्या होता है आपको साइन थीटा होता है, हाफ इंटू ए बी साइन थीटा होता है। क्या होता है दोस्तों, देखिए ए और बी हो गया, इस बीच में जो थीटा बनेगा दोस्तों, थीटा बनेगा, इसी को हम क्या करेंगे एरिया निकालेंगे। यदि आपका ये एंगल दिया है, ये लंबाई दिया है, तो एरिया क्या हो जाएगा हाफ ए बी साइन थीटा हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, यदि पूछेगा तो आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो क्या क्या एरिया हो गया, आधार इंटू ऊंचाई हो गया, और दूसरा एरिया क्या हो गया हाफ ए बी साइन थीटा हो गया। ये क्या होता है आपको संगत जो भुजा होता है दोस्तों, ये भुजा और भुजा के बीच का जो कोण होगा दोस्तों, ठीक है, दो भुजा का गुणनफल तो लेंगे ही, उसके बीच का जो एंगल बनेगा वही थीटा आपका यहाँ पे लेंगे हम, ठीक है। चलिए एक और रिलेशन देख लेते हैं, इसमें तीसरा रिलेशन देखिए क्या है दोस्तों, इसका जो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, D1 प्लस D2, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है D1 का होल स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर बटे 2 होता है। ये कैसे आया दोस्तों, ये ज्योमेट्री में जाके हम देखेंगे, ज्योमेट्री में सारा कुछ प्रूव कर देंगे दोस्तों, ठीक है। फिलहाल आपको यहाँ से इतना काम चलाना है अभी, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, चलिए। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, कहता किसी समांतर चतुर्भुज की भुजा क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, सबसे लंबी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो एरिया दोस्तों कितना होता है समांतर चतुर्भुज का, कितना होता है ऊंचाई इंटू क्या होता है बेस होता है, ऊंचाई इंटू क्या होता है आपको बेस होता है। अब देखिए बेस किसको मानेंगे, जिस पे ऊंचाई होगा, जिस भुजा पे लंब होगा, मतलब जिस भुजा पे लंब डालेगा उसी को हम क्या मानेंगे बेस मानेंगे। यहाँ क्या बोला है कि सबसे लंबी भुजा, तो सबसे लंबी भुजा कौन है आपको बाढ़ हो गया, ये हो गया बेस हो गया। हाइट कितना है दिया दोस्तों आपका 10 दिया हुआ है, 10 से गुना कर देंगे कितना होगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर और इस भुजा के विपरीत भुजा से दूरी 8 सेंटीमीटर है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए कि एक भुजा आपको कितना दिया हो दोस्तों, आपको 18 दिया है, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर तथा इस भुजा के विपरीत भुजा पे, तो विपरीत 18 ये है तो ये भी 18 होगा। तो अब देखिए क्या होगा, ये 18 ये भी 18 होगा, तो इस विपरीत भुजा पे ये लंब डाला कितना डाला है 8 डाला है, जिस भुजा पे लंब होगा उसको हम आधार मानेंगे और ये हाइट हो गया दोस्तों। एरिया यहाँ से कितना हो जाएगा आपको 18 गुना 8 करेंगे देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा आपको 144 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इसके बाद चलिए देते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों आपका PDF उपलब्ध है 205 क्वेश्चन का मेंसुरेशन का, ठीक है, मेंसुरेशन पूरा वॉल्यूम प्लस एरिया दोनों से 205 क्वेश्चन उपलब्ध है। उम्मीद करता हूँ कि यदि ये क्वेश्चन बना लें तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आप टेलीग्राम चैनल में पिन किया हुआ है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद विवेक आपका टेलीग्राम चैनल है, पिन किया हुआ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिए, बनाइए टॉपिक वाइज किया हुआ दोस्तों, जैसे पैरेललोग्राम पढ़ाने पैरेललोग्राम बना लीजिएगा, आयत पढ़ें तो आयत बना लीजिएगा दोस्तों, जो जो चैप्टर सारे का मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर बनाइए उसको, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, उसके एक भुजखंड की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा तो आपको उम्मीद रखिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। एक भुजखंड आपका कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये दोस्तों ये 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको 7 हो जाएगा। उसके भुजखंड की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे हाइट दिया नहीं है, तो आप क्या कीजिए देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, ये त्रिभुज बन रहा है, यदि इस त्रिभुज का एरिया हम निकाल लेते हैं, इसका यदि हम एरिया निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेंगे तो इसका भी एरिया निकल जाएगा, चूंकि आपको क्या बोले थे विकर्ण क्या करता है कि किसी भी पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट में एरिया में बांटता है, यदि इसका 10 होगा तो ये भी 10 होगा, यदि इसका हम एरिया निकाल लेते हैं, इस त्रिभुज का यदि हम एरिया निकाल लेते हैं, उसको दुना कर देंगे तो दुना कर देंगे पूरा निकल जाएगा, मतलब या तो इस एरिया को निकाल के और सेम टू सेम एरिया इसका भी होगा, दोनों को जोड़ दीजिए वो भी आंसर हो जाएगा। तो आप चलिए देखिए कि हमारा जो त्रिभुज बना कौन बना, आपको 15 7 और 20 सेंटीमीटर भुजा वाला त्रिभुज बना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो सूत्र से निकाल लेते हैं दोस्तों। हीरो सूत्र से क्या होता है दोस्तों, एस एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस आपका क्या होता है आपको सी होता है, ये होता है हीरो सूत्र। एस क्या होता है, एस क्या है दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी बाय क्या होगा आपको 2 होगा, ये अर्धपरिमिति होता है दोस्तों, ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं 20 प्लस 7 प्लस 15 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 20 15 कितना हो गया दोस्तों 35, 35 7 कितना हो गया आपको 42 बटे 2 बराबर कितना हो गया आपको 21 हो गया। अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं दोस्तों, एरिया जो निकलेगा इस त्रिभुज का, जो इस त्रिभुज का जो एरिया निकलेगा दोस्तों यही हो जाएगा 21 इंटू 21 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 15 घटा दीजिए, 21 में से 7 घटा दीजिए और 21 में से कितना घटा देंगे 20 घटा देंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए ये हो गया 21 हो गया दोस्तों, 21 में से 15 घटा देंगे कितना हो गया 6, 21 में से 7 घटा देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा आपको 14 हो जाएगा और 21 में से 20 घटा देंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये 3 गुना 7 हो गया, 2 तिया 6 हो गया और 2 सत्तर 14 हो गया, जिसका पेयर लेगा उसको हम क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, 3 हो गया दोस्तों यहाँ पे 3 हो गया, एक बाहर निकाल लीजिए, फिर क्या हो गया दोस्तों 7 हो गया, 7 हो गया पेयर बाहर निकाल लीजिए, बचा 2 और 2 बाहर निकाल लीजिए दोस्तों कितना हो गया 3 × 6 = 42, आंसर कितना होगा दोस्तों 42 तो होगा ही, 42 इन टेम्परेचर स्क्वायर किसका निकला दोस्तों इसका निकला, तो पूरा पैरेललोग्राम का जो निकलेगा तो 42 को दुना करना पड़ेगा, तो पूरा का पैरेललोग्राम का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों कितना हो जाएगा आपको 42 इंटू 2 कर देंगे बराबर कितना होगा 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। एग्जाम में दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से रहता है, इसको आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, इन भुजाओं की मिलाने वाले एक भुजखंड की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा आपका क्या है दोस्तों चेंज है। चलिए देखिए यहाँ पे ये आपका जो भुजखंड की लंबाई कितना दिया हुआ है, भुजाओं को मिलाने वाले भुजखंड की लंबाई कितना हो गया 12 हुआ, तो आसन भुजा को दोस्तों क्या होता है कि ये भुजा और ये दूसरी को आसन भुजा कहते हैं, एक का आपका 12 हो, एक का कितना है दोस्तों आपको 10 है और दूसरा कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इस त्रिभुज का एरिया निकाल लेते हैं दोस्तों, इस त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए दोस्तों, इस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, जैसे ही त्रिभुज का एरिया निकालेंगे तो दोना कर देंगे तो ये भी निकल जाएगा, ठीक है, दोनों को दोनों मिला कर आपका एक पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो कितना होता है दोस्तों एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। तो एस निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भागा देंगे, 12 प्लस 8 प्लस 10 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 12 8 20 10 कितना हो गया 30, 30 बटे 2 कितना हो गया 15 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये 15 होगा, 15 में से 10 हो जाएगा, ठीक है, 15 में से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 15 में से 12 हो जाएगा घट जाएगा, इसलिए कितना हो जाएगा दोस्तों आपको ये हो गया 15, 15 में से 10 गया कितना हो गया दोस्तों 5 हो गया, 15 में से 8 गया कितना हो गया 7 हो गया, 15 से 12 कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं कि अलग करते हैं, 3 गुना 5 हो गया, गुना 5 हो गया, गुना 7 हो गया, गुना 3 हो गया, ये 3 ये 3 क्या हो गया बाहर हो गया दोस्तों, ये 5 ये 5 आपका बाहर हो गया, बचा रूट अंडर कितना हो गया आपको 7 बज गया, तो कितना हो गया 5 दिया 15 रूट 7, 15 रूट 7 किसका निकला निकला रिया इस त्रिभुज का रिया निकला कितना 15 रूट 7 निकला, तो इसका भी कितना हो जाएगा 15 रूट 7 हो जाएगा दोस्तों, या तो 2 से गुना कर दीजिए या दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, तो 2 गुना 15 रूट 7 कितना हो गया 30 रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब ये पूछा हुआ, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पूछा हुआ क्वेश्चन रेलवे का है, आरआरबी कोलकाता एएसएम 2006 ताकि एक समांतर चतुर्भुज की आकृति वाले एक मैदान के आधार 150 मीटर ऊंचाई 80 मीटर है, 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान में पानी देने की कुल लागत कितनी आएगी। यहाँ तो क्लियर किया हुआ, आधार दिया, उस पर हाइट दिया हुआ है, एरिया निकाल लेते हो दोस्तों। तो एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 80 गुना कितना हो जाएगा आपको 150 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 00 और 15 8 120, ठीक है, 12,000 मीटर स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा। अब कुल लागत देखिए क्या होता है, कुल लागत के बारे में भी मैंने आयत में पढ़ा ही दिया है। कुल लागत मतलब क्या है कि 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर, मतलब एक वर्ग मीटर का खर्च कितना है, 50 पैसा है, तो इतना वर्ग मीटर का खर्च कितना होगा, दोनों को गुना कर देंगे दोस्तों, 12,000 गुना 50 पैसे 100 से भागा देंगे दोस्तों, किस में बदल जाएगा दोस्तों, ये पैसा में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा दोस्तों, ये रुपये में बदल जाएगा, सॉरी ये पैसा था 100 से भागा देंगे रुपये में बदल गया, 50 दूनी 100 हो गया, इसको काट दीजिए कितना हो गया आपको 6,000 रुपया हो गया। आंसर कितना होगा दोस्तों आपका 6,000 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कि एक समांतर चतुर्भुज जिसका आधार 9 सेंटीमीटर ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा, कितना होगा 9 चौक 36 हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। देखिए कब का पूछा है, आरआरबी एएसएम भुवनेश्वर 2009, आरआरबी महेंद्रू घाट पटना ग्रुप डी 2004, आरआरबी चेन्नई ग्रुप डी 2005, और भी एग्जाम में आपको अभी जो हाल फिलहाल एग्जाम है इसमें भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, कहता कि एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 3 सेंटीमीटर है और उस भुजा पर ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, यदि दूसरी भुजा 60 सेंटीमीटर हो तो पर ऊंचाई कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्या है, देखिए आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 30 सेंटीमीटर है और उस भुजा पर ऊंचाई कितना है दोस्तों, ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, ये ऊंचाई कितना है दोस्तों आपका, आपका देख लीजिए ऊंचाई कितना आपको 20 सेंटीमीटर हो। अब कहता है कि यदि दूसरी भुजा 60 सेंटीमीटर है तो भुजा थोड़ा उल्टा हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये 60 जाना होना चाहिए एरिया में। और फिगर फिर से हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, चलिए फिगर ड्रॉ कर देते हैं फिर से आराम से, क्योंकि इसमें हम फिगर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन तो बन जाएगा लेकिन फिगर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा। तो एक 60 है, ये 30 हो गया, तो इस भुजा पे ये हाइट कितना है दोस्तों आपका 20 है, तो इस 60 वाले भुजा पे हाइट कितना होगा दोस्तों, ये जो हाइट होगा दोस्तों ये कितना, यही पूछा है। अब देखिए कि अभी आपको बताए थे जो एरिया, दो एरिया बताए थे अभी, दो एरिया बताए थे शुरू में कि क्या होता है कि जिस भुजा पे लंब होगा वो उसको हम आधार मानेंगे। अब देखिए इस भुजा पे यदि आपका ये लंब है तो इसका आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कितना हो गया 60 गुना h हो जाएगा। और अब देखिए कि इस भुजा पे ये लंब कितना है 20 है, इसका जो एरिया हो जाएगा कितना होगा 20 गुना 30 होगा, दोनों क्या हो जाएगा आपको इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अब सॉल्व कर लेते हैं, 30 दूनी 60 हो गया, ये हो गया 10, तो h का मान कितना हो गया 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जिस भुजा पे लंब होगा दोस्तों, ठीक है, जिस भुजा पे लंब होगा वही आपका आधार होगा, ठीक है। तो दोनों का एरिया या फिर इस भुजा पे या तो इस भुजा पे है, दोनों से एरिया निकालेंगे, दोनों इक्वल होगा, इसीलिए हमको एक एच दिया था दूसरा एच निकालना था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।